तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हिम केयर योजना जनवरी 2020 से शुरू हो गई है, पहले भी शुरू हुई थी लेकिन अगर आपने इसके लिए आवेदन पहले दिया है तो आपको फिर से देना ही पड़ेगा। तो पुराने आवेदन को भूल जाओ, पुराने आवेदन जो है काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी कठिनाइयाँ थी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सरकार ने वो बंद करके नए से फिर से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा हुआ है हिम केयर योजना में दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का फ्री आपको बेनिफिट मिलेगा, 5 लाख रुपये तक का, और ये जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। आवेदन किस करना है, आवेदन कहाँ करना है और आवेदन कब करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर, बहुत ही छोटी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट देखिए दोस्तों वीडियो को, चैनल को पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश की हिम केयर योजना, इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जो कि आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हुए, और साथ ही सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल नहीं किए गए इसमें। कौन कौन शामिल किया गया, जब ये शामिल नहीं किए गए तो इसकी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों। इसमें देखिए BPL परिवार, रेहड़ी फहड़ी, मनरेगा कामगारों के लिए 40% से अधिक, दिव्यांग, 70% से अधिक आयु, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या आउटसोर्सेस वाले जितने भी हैं, मतलब कुल मिला के जो सरकारी कर्मचारी नहीं है सभी को इसमें योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है हिम केयर योजना के अंतर्गत। बस आपको करना क्या है, आवेदन। आवेदन करने के लिए ये तारीख भी खुल गई है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी में जाकर आप क्लिक करोगे तो सीधा आपके सामने ये फॉर्म आएगा हिम केयर योजना का दोस्तों। इसमें ऑनलाइन हिम केयर एनरोलमेंट पर क्लिक दिखाई देगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको राशन कार्ड की डिटेल डालनी होगी, इस तरह का दोस्तों, राशन कार्ड नंबर ये डालना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपके सामने कन्फर्म का बटन आएगा, कन्फर्म का बटन भी दबा देना है। अगले पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का पेज खोल देना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन का पेज खोलने के बाद आपके सामने ये पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, यहाँ पे तो कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, मतलब पूरा डिटेल, ब्लॉक व्लॉक क्या है, बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी डिटेल वही जो रेशन कार्ड में मैंसन होती है, वो सब मैं करने के बाद मांगी गई सारी जानकारी सही से देनी होगी, साथ ही साथ राशन कार्ड की सेकेंड सॉरी दोस्तों स्कैन कॉपी और परिवार मुखिया और सदस्यों के आधार कार्ड अपलोड करने होंगे। राशन कार्ड का जो फर्स्ट पेज होता है उसको अपलोड करना रहेगा, साथ में आधार कार्ड आपका और आपके पूरे परिवार का स्कैन करके रखना होगा और साथ में अपलोड करना रहेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अब फॉर्म सही से भर जाने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। उस रेफरेंस नंबर की मदद से आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपकी हिम केयर योजना कहाँ तक पहुँची है, सैंक्शन हुई कि नहीं, हिम केयर योजना के अंदर आपको समाविष्ट किया गया है कि नहीं, वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत सभी परिवारों 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा सरकारी अस्पतालों और कुछ चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि सरकार की तरफ से होगी और बिल्कुल फ्री होगी। तो आप लोग फटाफट आवेदन करो, जनवरी 2020 से शुरू हो गया, पुराने किए हो तो पुराने कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग आवेदन करने जाओ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा रहे, जिससे कि भर्ती के विज्ञापन लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।